तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे अचानक आपका मोबाइल बंद हो जाता है तो आप कैसे उसको सॉल्यूशन करेंगे, कैसे उसको ऑन करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जो प्रोसेस दिखाऊंगा, ये प्रोसेस में अगर आप उसको ट्राई करेंगे तो आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा और इसमें आपको कोई भी पैसा खर्चा नहीं होगा। इसी प्रोसेस में 100 या 150 मोबाइल मैंने रिपेयर कर दिया। ये रेडमी मोबाइल के अंदर कॉमन एक प्रॉब्लम है, उसको आप ट्राई कीजिए, आप भी उसको सॉल्यूशन करेंगे बिना ओपन की, सेट को ओपन करना नहीं होगा। तो मेरा ये प्रोसेस आप भी कीजिए, आप भी इसको सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो आपको छोटी सी एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तो फास्ट प्रोसेस, आपको एक चार्जर आपको लगा देना होगा, ठीक है। चार्जर लगा देने के बाद आपको कम से कम 6 घंटा चार्ज करना पड़ेगा। 6 घंटा चार्ज कीजिए, 6 घंटा चार्ज होने के बाद आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। 6 घंटा चार्ज करने के बाद आपको फास्ट प्रोसेस, आपको पावर की को आपको कम से कम 2 मिनट आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा। दो मिनट के बाद आपका सेट ऑन हो जाएगा। अगर आपका सेट 2 मिनट के बाद अगर आपका सेट ऑन होता है तो अच्छी बात है, अगर आपका सेट ऑन नहीं होता है तो आप सेकंड प्रोसेस को अप्लाई करना होगा। सेकंड प्रोसेस वॉल्यूम अप, वॉल्यूम माइनस और पावर की तीनों की को आपको एक साथ प्रेस करना होगा। इस तरह आपको तीनों की को एक साथ प्रेस करना होगा। कम से कम 2 मिनट आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा। 2 मिनट के बाद अगर आपका सेट में बैटरी फुल चार्ज है, अगर आपका सेट फुल चार्ज है तो आपका सेट ऑन हो जाएगा। कम से कम आपको 2 मिनट उसको प्रेस करके रखना पड़ेगा, कंटिन्यूस आपको 2 मिनट प्रेस करके रखना पड़ेगा। 2 मिनट के बाद आपका सेट ऑन हो जाएगा। अगर ऑन होने के बाद आप सर्विस मेनू आ जाए तो आपको तीनों की को फिर से आपको प्रेस करना होगा। तो फिर से जब सेट ऑन होगा, वाइब्रेट होगा, तब आपको तीनों बटन को छोड़ देना होगा, तब आपका फिर से ऑन हो जाएगा, तो आपका सेट ऑन हो जाएगा। इस प्रोसेस में मेरे लाइफ में मैंने कम से कम 100 से 150 मोबाइल मैंने रिपेयर किया। तो इस प्रोसेस को आप भी अप्लाई कीजिए, आप भी ट्राई कीजिए, आप भी इसको सॉल्यूशन कर पाएंगे। इस प्रोसेस में अगर आपका सेट सॉल्यूशन नहीं होते तो आप चार्जर देखिए, चार्जर सही है कि नहीं है। इस चार्जर से दूसरा मोबाइल को चार्ज करके देखिए, चार्जर सही है क्या नहीं। चार्जर सही है तो आपका मोबाइल सॉल्यूशन हो जाएगा। मोबाइल की प्रॉब्लम की रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में कर सकती हो, तो आपको हेल्प मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपका पसंद हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फुल वीडियो वॉच करने के लिए।